सोलेनोइड के अंदर हमने ये किया था कि अगर ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड का रेडियस है r, ये सोलेनोइड की लेंथ है l, और इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स n है, और लेंथ कौन सी लेते हैं, ये लेंथ लेते हैं, ये लंबाई, और b का फॉर्मूला यूनिट n आई होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे? यहां पर लेंथ एक और भी लेंथ है, कौन सी लेंथ है? ये लेंथ तो ये लेंथ है, लेकिन ये भी तो एक लेंथ है। ये देखो, यहां से यहां तक ये वाली, ये तो L नहीं है, ये तो L बिल्कुल भी नहीं है। ये पता है कितनी है? ये लंबाई है, एक चक्कर का सर्कमफ्रेंस कितना है, 2πr, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n। तो कितने मीटर तार लगी सोलेनोइड बनाने के लिए, ये वो लेंथ है। और जब सोलेनोइड तैयार हो गया तो कितना बड़ा सोलेनोइड तैयार हुआ, वो छोटा एल है। छोटे एल में और इसमें फर्क है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो आप मार्केट गए, आपने सोलेनोइड बनाना है, आप कहेंगे 15 मीटर तार दे दो, तो ये वो 15 मीटर तार है। पर जब आप इसे लपेटेंगे तो सोलेनोइड सिर्फ 15 सेंटीमीटर लंबा बना बस, तो ये स्मॉल एल है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में ये लेंथ चाहिए होती है, ये लेंथ नहीं चाहिए होती। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? हमने जो डेरिवेशन की उसमें हमने ये जो फॉर्मूला यूज किया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला किसके लिए था? एक लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में वो लॉन्ग सोलेनोइड नहीं बोलता, वो ये बोलता है कि l इज ग्रेटर देन स्मॉल r, कि जो l है वो काफी बड़ा है और स्मॉल r काफी छोटा है। तो अगर वो कंडीशन बोल दें कि l ग्रेटर देन स्मॉल r है, इसका मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है दिस इज अ लॉन्ग सोलेनोइड, तो आप ये b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको क्या सीधा ही बोल दे? नहीं बोलता सीधा, सीधा ही बोल सकता है कंसिडर लॉन्ग सोलेनोइड, नहीं बोलेगा, बोलेगा कंसिडर सोलेनोइड जिसमें लेंथ इज वेरी मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू रेडियस, इट मीन्स इट्स अ लॉन्ग सोलेनोइड, लंबाई बहुत बड़ी है, इसमें ये फॉर्मूला वैलिड है। क्योंकि छोटे सोलेनोइड्स का फॉर्मूला अभी अब तक हमने किया नहीं है, हमने इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड्स का ही किया हुआ है। तो समझ में आ रहा है ये, इनमें डिफरेंस टर्म्स समझ में आ रही है, क्या टर्म्स हैं? अब शुरू करते हैं सोलेनोइड के न्यूमेरिकल्स, जिसमें पहला क्वेश्चन, सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर। न्यूमेरिकल में अगर ये पर सेंटीमीटर गिवन है, इसको सबसे पहले पर मीटर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें ये क्या फॉर्मूला है, 300 टर्न्स पर मीटर, स्मॉल n, छोटा n है ये, इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5, आई भी पता है। द लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज गिवन, ये कौन सी लेंथ है, ये l, ये वो लेंथ नहीं है कि मार्केट से 0.5 मीटर तार देना भैया मेरे सोलेनोइड, ये वो नहीं है, ये है, ये लेंथ है। तो लेंथ l है ये, एंड हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन रेडियस r है। क्या निकालना है, b इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर b क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट पता है 4π × 10⁻⁷, n पता है 300 टर्न, और i भी पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये है, आंसर तो आ गया, ये फिर क्यों गिवन है, क्योंकि ये तो हमने यूज किया ही नहीं, क्यों गिवन है? इट इज अ लॉन्ग सोलेनोइड, क्योंकि लेंथ कितनी है 0.5 मीटर और रेडियस है सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो इनडायरेक्टली वो यही तो बोल रहा है, एल ग्रेटर देन आर, ताकि आप समझ जाएं कि एक लॉन्ग सोलेनोइड है और इसके अंदर ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब वैल्यू देख के समझ रहे हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग कि एल इज ग्रेटर देन आर, फिर जो समझ ही जाते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, उसने ये नहीं कहा एल ग्रेटर देन आर, उसने कहा मेरे से एल ले लो आर ले लो, खुद समझ जाओ ये एक लॉन्ग सोलेनोइड है। तो ये वैल्यूज यूज हो जाए तो ठीक, नहीं तो इसलिए दी जाती हैं ताकि आप फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई लगा सकें, इट इज़ अ लॉन्ग सोलेनोइड जिसमें एल बड़ा है और आर बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में सोलेनोइड में ये वैल्यूज यूज भी ना हो, सिर्फ बताने का काम करें। समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? नेक्स्ट, सर
कंपेरेबल हो, अगर मान लो एल भी 0.5 मीटर, आर भी मान लो 0.3 मीटर, तो रिजल्ट पेंडिंग है, करवाना है शॉर्ट सोलेनोइड का, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आता नहीं है शॉर्ट, मैंने देखा नहीं, पर मेरे पास रिजल्ट है, मैं बुकलेट में डाल के लाऊंगा, उसमें करवा दूंगा, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता उन टॉपिक के साथ आज 15 मिनट लगा के कि जो आना ही नहीं है उस पर पहले कर लें, बाद में कर लेंगे, ऐसा है। तो क्वेश्चन है सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, क्या कि मैंने एल, कौन सी एल, हॉरिजॉन्टल लेंथ, रेडियस 1 सेंटीमीटर, इट्स अ लॉन्ग सोलेनोइड, देखो एल और आर वही स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है ताकि हर क्वेश्चन में बताना ना पड़े, इट्स अ लॉन्ग सोलेनोइड, हो सकता है ये वैल्यू यूज भी हो जाए, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होती, पर इसमें देखते हैं यूज होती कि नहीं होती, पर पहली स्टेटमेंट ये बता रही है इट्स अ लॉन्ग सोलेनोइड, बी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है μ10I एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, इसमें चाहिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं गिवन, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग सॉल्वेंट में एन चाहिए होता है, छोटा एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, लंबाई कितनी है इसकी 0.5 मीटर, डिवाइड करो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गए, तो स्मॉल एन आ गया। क्या निकालना है, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलेनोइड, तो अपने को क्या निकालना है, बी निकालना है, बी क्या होता है μ0NI, μ0 हमें पता है 4π × 10⁻⁷, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि पता है और करंट भी पता है। फिर आप कहेंगे सर आर क्यों गिवन है, बताने के लिए एल बड़ा है रेडियस से, इसका मतलब इट्स अ लॉन्ग सॉलेनोइड। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट कॉपर की वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 1 मीटर की 0.01 ओम रेजिस्टेंस है, ये गिवन है, इज यूज टू वाइंड 400 टर्न सोलेनोइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो एल कितना है 20 और रेडियस कितना है 1, फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तो बताओ सोलेनोइड के साथ ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी जब सोलेनोइड अपने एक्सिस पर इतना बी जनरेट करेगा। अब बी का फॉर्मूला क्या होता है μ0NI, बी तो वो आपको दे ही रहा है, तो अगर आपको वो बी दे रहा है μ0NI में, आपको तो ईएमएफ निकालनी है, तो करंट की जगह क्या पुट करेंगे ईएमएफ बाय आर, रेजिस्टेंस आपको वो दे रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस दे रहा है एन पता है μ0 पता है बी पता है तो यहां से क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और साथ में क्या निकालनी है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 1 मीटर की रेजिस्टेंस सिर्फ 0.01 ओम है 1 मीटर की, जब आप मार्केट गए और ये सोलेनोइड बनाया तो आपने एक्चुअल वायर कितनी लंबी ली, ये एल नहीं पूछ रहा मैं कि सोलेनोइड कितना लंबा दिख रहा है, मैं पूछ रहा हूं कितनी लंबी तार लेनी पड़ी 15 मीटर 20 मीटर, कैसे कैलकुलेट करेंगे एक टर्न का रेडियस कितना है सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, और ऐसे कितने टर्न्स हैं
400, तो एक्चुअल लंबाई वायर की इतने मीटर है। तो मेरे को पूरी वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ मुझे चाहिए होगी। कैसे? क्योंकि 1 मीटर की रेजिस्टेंस इतनी है, इतने मीटर लंबी वायर की रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पूरी तार की रेजिस्टेंस हमने निकाल ली, लेकिन हमने जो रेजिस्टेंस निकाल ली उसके लिए हमने जो लंबाई ली वायर की, वो एक्चुअल लंबाई ली, कितने मीटर तार लगी। आर आ गया? आर क्लियर है? लेकिन जब हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न तो 400 हैं, लंबाई कौन सी यूज़ करेंगे? सिर्फ 20 सेंटीमीटर वाली। फिर ये लंबाई यूज़ नहीं करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे? 20 सेंटीमीटर ये वाली। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में एन जो यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है, एक्चुअल लंबाई यूज़ नहीं करनी। तो लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बी पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, म्यू नॉट पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है। आंसर मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसके अंदर? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, क्वेश्चन है, कॉयल वाउंड अराउंड अ टोरॉइड हैज इनर रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अगर आपको टोरॉइड का फिगर याद हो, तो टोरॉइड ऐसे होता था, ये देख रहे हो, ऐसे, ये था टोरॉइड। इनर रेडियस ए था, आउटर रेडियस बी था। टोरॉइड का फॉर्मूला भी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालता है? यहाँ निकालता है। तो यहाँ निकालने का मतलब हम रेडियस आर लेते हैं, और मैंने बताया था आर का शॉर्टकट ए प्लस बी का डिवाइड बाय 2। पर उसने हमसे मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे पूछा ही नहीं, तो हम एवरेज नहीं लेंगे। हमसे उसने 2 मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिए, वो कह रहे ए ले लो, बी ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लो, आप इसमें निकालो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी जो प्रोड्यूस होगी टोरॉइड के अंदर। अब मैक्सिमम मिनिमम के केस में काम करना पड़ेगा, बी का फॉर्मूला तो म्यू नॉट एन आई है, पर एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ ए रेडियस की है 2 पाई आर, 2 पाई इंटू ए, और एक लेंथ क्या है? 2 पाई इंटू पी। तो एक सर्कमफ्रेंस छोटा है, एक सर्कमफ्रेंस बड़ा है, तो जो सर्कमफ्रेंस छोटा है वहां मैग्नेटिक फील्ड बड़ा आएगा, और जो बड़ा है उसका मैग्नेटिक फील्ड छोटा आएगा। तो आपने 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में 2 पाई ए और 2 पाई बी लगाना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक टॉयलेट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? और अगर वो कुछ ना बोलता और बोलता एक्सिस के ऊपर बी निकाल लो, अब एक्सिस ए और बी के सेंटर में है, ए और बी का सेंटर कैसे निकलेगा? आर के साथ। तो यहाँ पर यूज करेंगे 2 पाई आर, वेर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर वो कुछ ना बोलता और बोलता एक्सिस के ऊपर बी निकालो, फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में लेंथ 2 पाई आर, और अगर वो कह रहे मिनिमम मैक्सिमम निकालो, फिर ए और बी के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें?